कौन कौन सी प्रॉपर्टी पोजीशन पर आने वाली है, कौन सी प्रॉपर्टी कितने साल के बाद आएगी, तो एक शॉर्ट लिस्ट वो कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैच करती है। तो टूर हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई एम शशिराज सिंह, वंस अगेन आई एम इन सेक्टर 150 नोएडा। जैसा कि आपको पता है कि 150 की जो लोकेशन है वो अपने आप में प्रीमियम है। मैं बिल्कुल 150 की जो राउंड अबाउट है, गोल चक्कर है, जो 150 की एंट्रेंस होती है, मैं बिल्कुल एक एंट्रेंस पर खड़ा हूँ। तो आज अपने ब्लॉग में मैं एक्चुअली आपको टूर कराऊंगा पूरे सेक्टर का। लाइक कि वैसे कस्टमर जो जिन्होंने अभी तक सेक्टर विजिट नहीं किया है, बट दे हैव हर्ड द नेम कि साउथ नोएडा के अंदर एक 150 जो सेक्टर है वो आने वाले टाइम का एक बहुत ही अच्छा सेक्टर बनकर निकलने वाला है। तो उनके लिए ये है कि एक वो प्रॉपर्टी का आइडिया ले ले, लाइक कौन सी प्रॉपर्टी बिल्कुल एंट्रेंस पर आती है, कौन सी प्रॉपर्टी बिल्कुल मिडिल में आती है, कौन सी प्रॉपर्टी थोड़ी इनसाइड में चली जाती है, अगर मैं इस एंट्रेंस से बात करूँ तो। तो एक टूर कराने का मेरा बस मोटिव यही है कि आप बैठे बैठे एक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर लोकेटेड है, उसकी कॉस्टिंग क्या चल रही है, एंड देयर पोजीशन टाइमिंग एज वेल। क्योंकि लोगों की यही डिमांड होती है कि मुझे क्लोज टू पोजीशन चाहिए, बट उनको आइडिया नहीं होता है कौन कौन सी प्रॉपर्टी पोजीशन पर आने वाली है, कौन सी प्रॉपर्टी कितने साल के बाद आएगी। तो एक शॉर्ट लिस्ट वो कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैच करती है। तो टूर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये बिल्कुल 150 का जो एंट्रेंस है वो गोल चक्कर है। मैं टूर स्टार्ट करने से पहले आपको एक लोकेशन का एडवांटेज बता देता हूँ कि ये जो 150 सेक्टर है वो दिल्ली से किस रूट से कनेक्टेड है, गाजियाबाद से किस रूट से कनेक्टेड है, फरीदाबाद से किस रूट से कनेक्टेड है, और गुड़गांव से किस रूट से कनेक्टेड है। तो अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली से लगा हुआ यहाँ पर एक दो कनेक्टिविटी है। एक आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, और जो दूसरा है आपका वो पुस्ता रोड जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी 2-3 साल 4 साल देखते हैं कितना टाइम लगता है, वो भी डिलीवर्ड हो जाएगा। तो एक कनेक्टिविटी वो भी एड ऑन हो जाएगी दिल्ली से बात करूँ तो। गुड़गांव से बात करूँ तो आप यहाँ पर KMP एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो यहाँ से 150 से लगभग 8 से 10 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेसवे पे आप जाकर एंटर करेंगे। अभी वो कनेक्टिविटी बनी नहीं है, बट वो भी इन फ्यूचर अगले साल 1.5 साल 2 साल के अंदर वही बन जाएगी। तीसरी अगर मैं गाज़ियाबाद से बात करूँ तो आपका एक तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के थ्रू चले जा सकते हैं, दूसरा ग्रेटर नोएडा के थ्रू आप गाज़ियाबाद चले जा सकते हैं, और जो तीसरा है वो आपका FNG है, जो फरीदाबाद नोएडा एंड गाज़ियाबाद। और जो फरीदाबाद आप क्या या तो KMP कोंडली मारे से पलवल हाईवे के थ्रू जा सकते हैं, या फिर FNG के थ्रू। तो हम टूर को स्टार्ट करते हैं। ये जो पहली प्रॉपर्टी आपकी स्टार्टिंग में आती है, हम एंट्रेंस से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपकी दो चीज़ें हैं। एक आपका एक छोटा सा कमर्शियल है एस मेडले का, बिल्कुल एंट्रेंस में ही आता है, ये हाई स्ट्रीट का मॉल बेस्ड कॉन्सेप्ट है। और जो उसके पीछे जो आप रेजिडेंशियल देख रहे हैं हाई राइज में, वो आपका ATS का प्रिस्टीन है। अगेन 2017 की इनकी प्रॉपर्टी डिलीवर्ड हो गई थी, और आज के डेट में जो कॉस्टिंग वो 7,500 के आसपास की जाती है। और ये जो कमर्शियल है इसका, वो अगले 2022 एंड तक मैक्स टू मैक्स ये पूरा का पूरा डिलीवर हो जाता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट कमर्शियल जो 2022 में डिलीवर्ड होने जा रहा है, 150 के अंदर। तो कमर्शियल के भी अपनी अलग एडवांटेज है, इतने सारे क्राउड्स को मैनेज करने के लिए कमर्शियल के रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी। ऑब्वियसली जो कमर्शियल का रेंटल्स होगा वो भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो ये प्रॉपर्टी चल रही है आपका ATS का प्रिस्टीन है। जैसा आपको पता है कि ATS प्रिस्टीन सबसे लो डेंस प्रॉपर्टी है पूरे 150 में, इन टर्म्स ऑफ ओपननेस। एक अच्छा उन्होंने टिकट साइज़ भी इसमें दिया था, स्टैंडर्ड 1700 स्क्वायर फीट से स्टार्ट था, एंड वो फिर 2300 एंड 3200 स्क्वायर फीट के कॉन्सेप्ट थे, 3+7 एंड 4+7 के कॉन्सेप्ट में। जो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी आती है ATS प्रिस्टीन के बाद, जो ऑलरेडी डिलीवर्ड है, वो है आपका एस का गोल सायर। जब एस की पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर बनी थी, तो उस टाइम पे अगेन मैं वही बोलूँगा कि एस के बारे में इतनी मार्केट्स में नॉलेज नहीं थी लोगों को, बट जब प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ तो ऑब्वियसली लोगों को ये जो प्रोडक्ट है वाकई बहुत ही अच्छा लगा। तो ये टिकट साइज इसमें भी लगभग 2 BHK 3 BHK 3 BHK मैक्स इनमें साइजेज हैं, इससे स्टार्ट होता है। तो ये 2 BHK एंड 3 BHK दोनों मिक्स कॉन्सेप्ट है। थर्ड जो प्रॉपर्टी आपकी आती है, आपका महागुन का मीडोज है। अगेन दिस इज अ प्रीमियम प्रॉपर्टी, 2022-2023 मैक्स टू मैक्स ये पोजीशन हो जाएगा, स्ट्रक्चर इनका भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें लो राइज प्लस हाई राइज दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं, कुछ विलाज है बीच में, और उसके बाद आपका दोनों कॉर्नर पे आपके हाई राइज के कॉन्सेप्ट हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई, जो दो डिलीवर्ड हैं अभी के रेट में, और एक आपकी क्लोज टू पोजीशन में। ये चौथी प्रॉपर्टी आपकी जो कमर्शियल आप देख रहे हैं, वो सेठी का कमर्शियल है। सेठी का काम अभी उतना फुल स्विंग में नहीं चल रहा है, रीजन में फंड्स के शॉर्टेज है उनके पास, दे आर रिजॉल्विंग देयर इश्यूज़। तो अगर जैसे वो रिजॉल्व होता है
तो ऑब्वियसली इनकी जो लोकेशन है वो 3 साइड ओपन प्लॉट है, कंस्ट्रक्शन माई वन है, क्वालिटी बहुत ही डिसेंट है, आप क्वालिटी भी टावर्स की देख सकते हैं कि जो उन्होंने अभी तक कंस्ट्रक्शन करी हुई है, बट फंड्स के शॉर्टेज की वजह से थोड़ा सा ये अभी काम को नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं फिर कब ये रिजॉल्व होता है। जो नेक्स्ट आपकी ये सामने की जो दो आपको बोर्ड दिख रहा होगा, उसके ठीक पीछे आपका भगत सिंह का पार्क है, 42 एकर्स का भगत सिंह का पार्क है। इट्स अ ह्यूज पार्क, जो इतना बड़ा पार्क अथॉरिटी ने किसी भी सेक्टर में नहीं दिया है। तो ये एक सेक्टर्स के लिए सबसे बड़ी USP है कि 42 एकर्स का भगत सिंह का पार्क आपको मिल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में जो आप ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो आपका अगेन सेठी की प्रॉपर्टी है। इसमें मैंने बोला कि 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है इनका, 3 साइड ओपन है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगी इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन जब ये बनाकर हैंड ओवर करेंगे, बट अभी के तो कुछ पता ही नहीं है कब क्या होने वाला है। इसके बाद अब यहाँ पर फर्स्ट टर्न के बाद जो दो प्रॉपर्टी आती है, राइट हैंड साइड में जो आपको प्रॉपर्टी ये दिख रही है ये आपका एस का पार्कवे है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी प्रॉपर्टी दिख रही है वो आपका गोदरेज का पाम रिट्रीट है। तो राइट हैंड साइड की प्रॉपर्टी की अगर पार्कवे की बात करूँ तो 7,000 से 7,500 की लगभग कॉस्टिंग आती है। ये 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK मिक्स कॉन्सेप्ट है। अगेन मैं पाम रिट्रीट की बात करूँ तो सेम कॉन्सेप्ट में वो भी आता है, थोड़ा लग्जरी बेस्ड है, रिजॉर्ट थीम है, तो उसके हिसाब से ये भी एक लग्जरी और प्रीमियम प्रॉपर्टी मानी जाती है। एक गोदरेज पाम रिट्रीट के फिर लेफ्ट हैंड साइड में एक रोड ये भी आता है, और जो आपका इस पार्कवे के बैक साइड में फिर दो प्रॉपर्टी आती है। अब इसको मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस रूट पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है। तो गोदरेज पाम रेडिट के साथ में जो लगी हुई 30 मीटर की रोड है, ये आपका 30 मीटर का रोड है जिस रोड पे अभी अभी हम चल रहे हैं, तो ये 30 मीटर के रोड पे आपकी जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो है आपका समृद्धि का दक्ष एवेन्यू। ये प्रॉपर्टी भी रिसेंटली लॉन्च हुई थी, इनका भी जो पोजीशन है वो आई थिंक 2025 की है एज़ पर एग्रीमेंट, एंड एज पर रेरा जो होगा वो ऑब्वियसली फिर वो ज़्यादा होगा। और नेक्स्ट इसके आगे भी अभी 1 से 2 प्लॉट्स बचे हैं अथॉरिटी के हिसाब से, तो यहाँ पर अब जो ही प्रॉपर्टी इस प्लॉट्स पे इस रूट पे जो लॉन्च होंगी ऑब्वियसली वो लग्जरी प्रॉपर्टी लॉन्च करेंगे, एंड दे आर आस्किंग विल बी अराउंड 8,000 to 9,000। बाकी आप जहाँ पर वो ट्रक्स खड़े हैं आप ये भी देख सकते हैं कि 150 के अंदर जो इंटरनल रोड से अथॉरिटी वो इस वे में डेवलप कर रही है, इस वे में प्लान कर रही है कि किसी भी सोसाइटी के लोगों को किसी भी तरीके की रोड्स की कनेक्टिविटी में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये अथॉरिटी की प्लानिंग है। अथॉरिटी के प्लानिंग के हिसाब से एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सबसे जो मेजर रोड है यहाँ पे अभी तक का वो 45 मीटर और 30 मीटर है। अभी इस जिस रोड पे अभी मैं चल रहा हूँ ये आपका 30 मीटर का रोड है जहाँ पर ये पाम रिट्रीट के बिल्कुल साथ में लगी हुई है, और जो आपका एस पार्क है और जो पाम रिट्रीट है वो वाला जो रोड है वो 45 मीटर का है। तो अगेन दिस इज अ ह्यूज वाइड रोड कह सकते हैं कि इंटरनल सेक्टर रोड का, क्योंकि इतने चौड़े रोड फिर किसी सेक्टर्स में आपको नहीं मिलेंगे 45 मीटर की विड्थ का। अब आपके एस पार्कवे के इनसाइड में जैसे ये रूट हम चलते हैं तो आपकी दो प्रॉपर्टी आती है इसके बैक साइड में। एक तो आपका भूटानी का सिटी सेंटर है, पहले ये ट्रिबेका का हुआ करता था, कमर्शियल है, और दूसरा आपका अंतरिक्ष की प्रॉपर्टी है। अभी जो भूटानी की ट्रिबेका का जो कमर्शियल था उसको भूटानी ग्रुप ने ले लिया, नाउ देयर नेम इज़ भूटानी सिटी सेंटर। अब वो 3 फ्लोर का पूरा कमर्शियल वो डेवलप करेंगे। उस कमर्शियल में आपका मल्टीपल चीज़ें हैं, ग्राउंड फ्लोर से लेके अपर सेकंड फ्लोर तक की दुकानें हैं, तो इसमें मल्टीपल 200-300 स्क्वायर फीट से साइजेस भी स्टार्ट होते हैं। तो ये आपका है ट्रिबेका का सिटी सेंटर जिसको भूटानी ग्रुप ने ले लिया, पूरा कमर्शियल कॉन्सेप्ट है। बाकी आप मुझे कॉल करेंगे मैं सारी डिटेल्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ये आपका फिर अगेन तीसरी प्रॉपर्टी आती है इस रोड पे, इस पार्कवे के थोड़ा अंदर वाले रोड पे 30 मीटर की रोड ये भी है। ये आपका अंतरिक्ष की प्रॉपर्टी आती है, अंतरिक्ष गोल्फ सिटी के नाम से ये प्रॉपर्टी है। फ्रंट में आपका ये कमर्शियल है पूरा का पूरा, एंड उसके ऊपर में आपका उसके बैक साइड में फिर आपका ये रेजिडेंशियल हो जाती है। अभी मिक्स कॉन्सेप्ट में बना हुआ है, लाइक लो राइज इन हाई राइज के पूरे कॉन्सेप्ट हैं, तो ये भी अपने आप में प्रीमियम है। बट अभी इन्होंने इतना डिले कर दिया कि थोड़ा सा मार्केट्स में निगेटिव फीडबैक है हर चीज़ को लेके, चाहे वो पोजेशन डेट हो चाहे वो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी हो, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन पूरी तरह माइवन नहीं है आपकी। थर्ड जो एक चीज़ बताना चाहूँ, आपका ये भगत सिंह का पार्क है, भगत सिंह का जो पार्क है वो आपके एस पार्कवे, ट्रिबेका का भूटानी का सिटी सेंटर, और जो आपका अंतरिक्ष गोल्फ सिटी, इसके बिल्कुल अपोजिट वाली लैंड है जिस रोड पर अभी मैं चल रहा हूँ। ये
आपके बिल्कुल भगत सिंह आपका लेफ्ट में है, और ये सारी जो तीन प्रॉपर्टी मैंने बताई है वो आपके बिल्कुल राइट में है। तो लेफ्ट में आपका भगत सिंह और राइट में आपकी प्रॉपर्टी। तो ये 30 मीटर की रोड बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी बनाई है अथॉरिटी ने 150 को लेके, और वैसे भी 150 की जो लोकेशन है वो आने वाले टाइम में अथॉरिटी और भी बेटर प्लान कर रही है। तो मुझे लगता है कि 150 के कंपैरिजन में फिर दूसरे सेक्टर्स को आने में बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि अथॉरिटी प्लानिंग करती है तो कम से एटलीस्ट 10 साल 15 साल लग जाते हैं पूरी तरह अप्लीकेबल होने में। यहाँ भी सेक्टर्स की प्लानिंग अथॉरिटी ने बहुत पहले कर रखी थी, बट फाइनली जो चीज़ें लोगों को दिख रही है वो एटलीस्ट वो 8 से 10 साल लग गए इस सेक्टर्स को पूरी तरह इस लेवल तक आने में। अब हम चलते हैं इस 45 मिनट एक रोड पर जहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड में आपका इस गोदरेज का पाम रेटेड दिखाया था। इस रोड्स पे अब आपकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो समृद्धि का लग्जरी है। जो आपकी ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर जिनका रेडी है, वो आपका समृद्धि का लग्जरिया है। इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है कि 2022 और 2023 के फाइनली लास्ट तक इनका पोजीशन है। 22 में स्टार्ट कर देंगे, सेमी फर्निश कॉन्सेप्ट में सेल करें, 2 BHK से स्टार्ट होता है, टिकट साइज 60 लाख के रेंज से स्टार्ट होती है एंड इट गोज़ अप टू 90 लाख फॉर 3 BHK। तो ये आपका समृद्धि का लग्जरिया है। इसमें भी कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, वाइड रोड पे इंटरनल 45 मीटर के रोड्स पे है, MI1 की कंस्ट्रक्शन है, तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा बनकर निकलेगा। और 45 मीटर रोड की जो वैल्यू है वो जिन लोगों ने ले रखा है उनको अच्छे से पता है कि इतनी वाइड रोड पे प्रॉपर्टी बहुत ही लिमिटेड है, जिसकी एंट्रेंस और जो एग्जिट होता है इसी रोड से होता है। फिर आपकी ये नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आपका प्रेस्टीज का बोगनविलिया है, एंड आपको पता है कि प्रेस्टीज अपने आप में साउथ इंडिया का वन ऑफ दी टॉप रेटेड डेवलपर है। तो इनकी ये लोकेशन आती है और ठीक समृद्धि लग्जरिया के आगे वाला ये प्लॉट है। तो इनका भी जो एंट्रेंस और एग्जिट है वो ठीक 45 मीटर रोड्स पर ही है। तो मेरे हिसाब से 45 मीटर की रोड्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम होगी, क्योंकि आपके एंट्रेंस और एग्जिट पे कहीं से भी क्राउड्स नहीं होगा। ठीक इसके आगे वाला जो प्लॉट्स है अब वो अभी खाली है, एज़ पर अथॉरिटी अभी किसी को अलाउड नहीं हुई है। मे भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो भी आ सकता है, आई डोंट नो, चाहे वो विलास के भी आ जाए, चाहे हाई रेज के आ जाएँ, या फिर प्लॉट्स के आ जाएँ, तो इसके भी पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो अथॉरिटी की जो प्लानिंग होगी, जैसे कोई अपडेट्स आता है तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ मैं आपको शेयर कर दूँगा। फिर जब उधर से मैं रिटर्न आऊँगा तो राइट हैंड साइड की जितनी प्रॉपर्टी है जो उस रोड से लगी हुई है उसको मैं कवर कर दूंगा। अब हम आते हैं प्रेस्टीज के आगे वाला प्लॉट खाली है, उसके बाद ये जो कमर्शियल की प्रॉपर्टी आती है अर्थम की आती है। अगेन दिस इज अ कमर्शियल कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। इसमें जो भी कमर्शियल के नीड्स होती है इस वाली बेल्ट में, तो खास करके इतना बड़ा कमर्शियल है नहीं जिस रूट में अभी मैं एंटर कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ा कमर्शियल फिर यही होगा। सारे कॉन्सेप्ट हैं, फूड कोर्ट से लेके आपके ग्रॉसरी स्टोर, एक बड़े लेवल की प्लानिंग है पूरी की पूरी। तो ऑलरेडी डिगिंग कंप्लीट हो चुकी है, राफ्टिंग में काम आ चुका है, और इनका जो पोजीशन होगा 2023 और 2024 के साल में होगा। अब राइट हैंड साइड की जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, दिस इज ATS ली ग्रैंडियोस। ATS ली ग्रैंडियोस फेज़ वन ऑलरेडी स्ट्रक्चर रेडी है, फेज़ टू अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फेज़ वन का जो पोजीशन देंगे स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद, ये 2022 एंड में एटलीस्ट जाएगा। तो कम से कम साल से 1.5 साल लगेंगे इंटायर कंप्लीशन में। पेंटिंग वेंटिंग स्टार्ट कर दी है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट डिले चल रहा है, बट अगेन धीरे धीरे वो ग्रेजुअली डिलीवर कर देंगे। इसमें क्या 2300-3200 स्क्वायर फीट के जो साइजेस हैं उसकी जो फेसिंग आती है वो पार्क फेसिंग एंड गोल्फ कोर्स की फेसिंग आती है, ये इसकी USP है। तो ये पूरा का पूरा आपका ग्रैंडियोज हो गया। ग्रैंडियोज के फिर लेफ्ट हैंड साइड में ये फ्रंट का जो पोर्शन है वो दूसरे डेवलपर का है। अभी तक अथॉरिटी ने ये डिसाइड नहीं किया है किस डेवलपर को जाना है, कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। ये फिर आपका टाटा का सेल्स ऑफिस आ गया, यूरेका पार्क जो टाटा की प्रॉपर्टी बन रही है। तो इस रोड पर आपकी मोरेवर 3 प्रॉपर्टी आती है, एक आपका ग्रैंडियोज फेज़ 1 फेज़ 2 अल्फा एंड टाटा। इस रोड पर आपके 3 प्रॉपर्टी आती हैं जो इस रोड से इनकी जो एंट्री है कहीं ना कहीं इस रोड से ही है। अब आता ही अल्फा। अल्फा भी गुड़गांव बेस्ड डेवलपर, इन्होंने भी अच्छा काम किया गुड़गांव वगैरह में। पहले ये साहा की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, बट इसको अब अल्फा ने टेक ओवर कर लिया था। इसकी भी कंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली MI1 है, G+16 story की बिल्डिंग है, और कॉस्टिंग वही आती है 5500 से 6000 के बीच में। तो अभी कॉस्टिंग में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो प्रॉपर्टी आ रही हैं उसमें एक तो साइजेस का कॉन्सेप्ट, क्या क्या कॉन्फिग्रेशन है, एक टेंटेटिव 2 3
3 BHK है, पे 3-4 BHK में आता है। अलॉन्ग विद डेट एक प्राइसिंग और पजेशन डेट का भी आइडिया हो जाएगा। ये सामने की जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है इस रूट पे, वो आपका टाटा का यूरेका पार्क है और ये आपकी कंप्लीट माइवन प्रॉपर्टी नहीं है, माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं है, एसब्रिक्स की कंस्ट्रक्शन है इसकी। और इसके बाद अब हम एंटर करते हैं दूसरे पार्ट में जो 150 का आता है, जहाँ पर और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बन रही हैं। ये आपका पूरा का पूरा टाटा का यूरेका पार्क हो गया। डेंसिटी थोड़ी हाई है क्योंकि 20 एकड़ में 20 टावर या 28 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो डेंसिटी 150 के टर्म्स में बोलेंगे तो टाटा की हाई है इस कंपेरिजन टू अदर। फिर आप एक एक रोड की कनेक्टिविटी आप ये देख रहे हैं, इसको भी अथॉरिटी की प्लानिंग ये है कि कोई भी प्लॉट हो, सारे प्लॉट के साथ में आस मतलब अगल बगल में कोई ना कोई एक अच्छी कनेक्टिविटी दे दे, ताकि कोई कहीं भी आराम से आ जा सकता है, ऐसी फील नहीं हो कि थोड़ी सी चौड़ी रोड है, थोड़ी सी पतली रोड है, तो एक कंजेशन सा कंजेस्टेड सा नहीं लगेगा आपको। तो इसलिए अथॉरिटी की प्लानिंग हुई, इसलिए उन्हें हर प्लॉट के सराउंडिंग में कुछ ना कुछ एक प्लॉट्स दे दिया है, ताकि ट्रैफिक जो है कंजेशन काफ़ी कम हो इस सेक्टर्स में। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी आती है इस वाली बेल्ट में, वो है आपका जो सामने दिख रहा है, वो एल्डिको का लिव बाय द ग्रेन्स। ये एल्डिको की प्रॉपर्टी है, 2 BHK एंड 3 BHK। 2 BHK का स्टैंडर्ड साइज है, 3 BHK का छोटा साइज है, 1400 स्क्वायर फीट का। तो इस पे आपका ये एल्डिको की प्रॉपर्टी आती है। 3 BHK एंड 2 BHK के टावर्स ऑलरेडी लगभग कम्प्लीट भी होने वाले 2 BHK के। तो पजेशन की बात करूँ तो 2023 की इनकी पजेशन है, कॉस्टिंग लगभग 5500 के रेंज में जाती है ऑल इंक्लूसिव। तो कहीं ना कहीं इस उसके हिसाब से बिल्डर की जो कॉल है कि बिल्डर का रेपुटेशन मार्केट्स में काफ़ी अच्छा है, उन्होंने पैन इंडिया में काम किया हुआ, तो कॉस्टिंग भी सही है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी हुई है जो इनकी डिलीवर्ड प्रॉपर्टी है, चाहे वो 119 नोएडा में हो, 93 में हो या फिर ग्रेटर नोएडा में हो। ये जो सामने आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, दिस इज़ ATS पाए साइडवेज, अगेन माइवन कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी है। एक एकड़ में इनकी 75 यूनिट्स आती हैं पर एकड़, जो इनका मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंग में। ये भी अगेन माइवन कंस्ट्रक्शन है, एक ही साइज, दो तीन साइज है मेजरली, 1400, 1615 एंड 1675 स्क्वायर फीट। 1675 सबसे बड़ा साइज है 3+ स्टडी का। तो एक आपका ATS का पाए साइडवेज हो गया, जो होमक्राफ्ट बैनर में ATS काम कर रहा है। अब इस रोड पे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये रोड इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है क्योंकि ये इंटरनल रोड है, बट मैंने बोला कि सारी प्रॉपर्टी के सराउंडिंग में बिल्डर ने, अथॉरिटी ने ऐसी प्लानिंग करी हुई है कि एक रोड तो है एटलीस्ट अच्छी खासी। तो ये उन्होंने सराउंडिंग अगल बगल की जो दो तीन रोड्स की कनेक्टिविटी थी, थोड़ी पतली है, रोड इतनी वाइड नहीं है, बट दो तीन रोड देने के बाद वो कहीं ना कहीं इतना कंजेशन फील ही नहीं होता है। ये आपका राइट हैंड साइड में, फिर आपका ATS पाए साइडवेज का आगे आ गया गोदरेज का नर्चर और गोदरेज का नेस्ट। ये दो प्रॉपर्टी चूँकि अलग अलग फेज में इन्होंने लॉन्च किया था अलग अलग नाम से, तो गोदरेज नेस्ट और गोदरेज नर्सरी, इनका दो प्रोजेक्ट ये आ गए 150 के अंदर। इनका जो पोजीशन है वो 2023 तो नहीं होगा, 2024 एटलीस्ट जाएगा ही जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड की जो प्रॉपर्टी है वो आपका प्रतीक का कैनरी है, अगेन दिस इज़ अ प्रीमियम प्रॉपर्टी, लग्जरी प्रॉपर्टी, गोल्फ कोर्स की फेसिंग की प्रॉपर्टी आती है। और प्रतीक का अभी तक का ये भी रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने काफ़ी एक लग्जरी वे में प्रॉपर्टी डिलीवर्ड करी हुई है नोएडा के अंदर। तो एक कनेक्टिविटी बस थोड़ी सी अंदर है इस प्रोजेक्ट का, मैं यही बोलूँगा कि जो लोकेशन है वो थोड़ा इनसाइड है, बट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप रहना स्टार्ट करेंगे तो, क्योंकि ये 1.5 किलोमीटर का पैस इतना कोई मेजर नहीं होता, लेकिन उसका असर जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके एप्रिसिएशन में और थोड़ी लोकेशन के एडवांटेज में हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे एक्सप्रेसवे लवर होते हैं कि बिल्कुल एक्सप्रेसवे के साथ की प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत सारे लोग का होता ही नहीं है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइस होती है, उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करते हैं। ये आपकी जो लैंड है जो आप देख रहे हैं, ये आपका गोल्फ कोर्स की है एज ऑफ नाउ अथॉरिटी की, तो यही है जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से ये गोल्फ कोर्स की लैंड है। एंड देखते हैं कि गोल्फ कोर्स अथॉरिटी किस डेवलपर को बनाने को देती है, बट इतना तो कन्फर्म है कि कोई भी डेवलपर अगर यहाँ पर बनाएगा तो ऑब्वियसली वो किसी प्राइवेट डेवलपर को ही अथॉरिटी देगी, ताकि फिर उसकी जो मेंटेनेंस हो उसके अकॉर्डिंग हो पाए। तो अभी आप यहाँ पर लेफ्ट और राइट में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ प्लॉट्स अभी खाली हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो प्लॉट्स जो खाली आपको आज के रेट में दिख रहा है, यहाँ भी प्रॉपर्टी और न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे, बट अभी अथॉरिटी ने उसे इसको डिस्क्लोज नहीं किया। आप इनका मास्टर प्लान भी देखेंगे
तो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर अभी ऐसा कुछ अथॉरिटी ने ओपन नहीं किया कि कौन सा प्लॉट कौन से डेवलपर को जा रहा है। बट जैसे ऐसे प्लॉट्स का अथॉरिटी अलॉटमेंट कर रही है, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी फिर बैक टू बैक लॉन्च ही हो रही, कोई डिले नहीं कर रहा। और डिले नहीं करने के पीछे रीज़न उनका यही है कि अगर आज उन्होंने प्रॉपर्टी लॉन्च नहीं करी, कल को वो लॉन्च करेंगे और उनका सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा लग्जरी और प्रीमियम नहीं हो, तो फिर उनको सेल करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो डैट इज़ द रीज़न कि उस चीज़ को वो बिल्कुल सॉर्ट आउट करके चल रहे हैं कि जो भी जैसे लैंड अलॉटमेंट हुई, चाहे वो कमर्शियल के हो रेजिडेंशियल के हो, ऑब्वियसली वो इमीडिएट लॉन्च कर दे रहे हैं। फिर हम इस रोड से वापस, जैसे मैंने बोला रोड की कनेक्टिविटी वाकई अच्छी, आप कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, वापस हम ATS ली ग्रैंडियोज वाले प्लॉट्स पर आ गए। अब मैं जब यहाँ से वापस जाऊँगा बैक साइड में, तो आपको एक दो प्रॉपर्टी का और बता देता हूँ जो इस पार्कवे तक का मैंने कवर नहीं किया था, क्योंकि बीच में डिवाइडर था तो मैंने लेफ्ट की प्रॉपर्टी ही कवर करी थी। अब राइट की प्रॉपर्टी आपको मैं कवर करके दिखा देता हूँ। तो अब देखिए, ये आपका ATS का ली ग्रैंडियोज है जो मैंने बताया, इनका फेज टू का पार्ट है। और इसके अपोजिट में ही आपका प्रेस्टीज की जो प्रॉपर्टी है ली ग्रैंडियोज के बिल्कुल अपोजिट वाला ही प्लॉट है, थोड़ा सा एक प्लॉट छोड़ के उसके पहले वाला। तो ग्रैंडियोज के प्लॉट ये फेज टू का प्लॉट है। इसके बाद आपका इसके बैक साइड में ATS का गोल्फ विलास की प्रॉपर्टी है। विलास भी ATS ने अच्छा खासा बना रखा है, लगभग 23-24 एकड़ की प्रॉपर्टी है। फिर एक उन्होंने किंगस्टन हिथ के नाम से एक प्रॉपर्टी लॉन्च करी, अगेन डैट इज़ द प्रीमियम अपार्टमेंट, उन्होंने लगभग 6500 से 7000 के रेट में लॉन्च किया है। एक यहाँ पर डेवलपर BCC, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है BCC की लैंड है यहाँ पर, छोटी लैंड पैच है उनका, बट यहाँ पर वो 2 से 3 टावर लेकर आ रहे हैं। तो जैसे इसका भी कुछ अपडेट्स आते हैं मैं आपको शेयर कर दूँगा। वो जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं सामने, वो ATS के विलाज है, वो सारे के सारे विलाज बन रहे ATS के, जो मैंने बताया गोल्फ प्रेस्टीज गोल्फ विलाज के नाम से प्रॉपर्टी है। और उसके ठीक बैक साइड में इनका आता है किंगस्टन हिथ के नाम से, जो इन्होंने हाई राइज लग्जरी अपार्टमेंट्स लॉन्च किया था। अब पीछे वाली कंस्ट्रक्शन वही आपके अंतरिक्ष की आ जाती है, जो आपको वाइट कलर की वाइट वॉश हो रखी है उसमें। तो यहाँ क्या है कि अथॉरिटी ने हर रोड को एक दूसरे से इतना कनेक्टेड किया है, ऐसी कनेक्टिविटी करी हुई है कि आपको कंजेशन सा फील नहीं हुआ, क्योंकि हर प्लॉट हर प्रॉपर्टी के सराउंडिंग में एटलीस्ट 2 रोड तो अथॉरिटी ने निकाली ही निकाली है। तो एक ट्रैफिक को कम करने का अथॉरिटी का यही प्लान है। बट लेट्स सी, जब प्रोडक्ट पूरा बनकर डिलीवर्ड होता है तो क्या होता है। ये सामने एक और भी प्रॉपर्टी आपका मैक्स अंतारा, इसी रोड पर ही वो प्रॉपर्टी है, मीन्स इस पार्क के आगे वाला प्लॉट खाली, उसके बाद आपका मैक्स अंतारा की प्रॉपर्टी है। तो मैक्स अंतारा भी बहुत ही प्रीमियम और लग्जरी अपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं, 8000 के आसपास की कॉस्टिंग है, सीनियर लिविंग प्रॉपर्टी है। तो ऑब्वियसली वैसे कस्टमर जो फैमिलीज मदर फादर के ले रहे हैं, वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो उनके लिए सबसे सेफ है कि एटलीस्ट वो ऐसी सोसाइटी में रहें जहाँ पर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रहें या ना रहें, तो सोसाइटी ही उनको अच्छे खासे इतनी फैसिलिटीज देगी, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप हम आ गए वापस अपने इस पार्कवे के साइट पर। तो ये मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था पूरे 150 का, ताकि कोई ग्राउंड रियलिटी मैंने दिखाई है, ताकि कोई भी कस्टमर बैठे बैठे वो ये जान सके कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, किस स्टेज में है, पजेशन डेट क्या है, टिकट साइज उनके क्या हैं। तो कोई भी व्यूअर्स अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर एनी क्वेरीज। अगर आपको कुछ क्वेरीज भी होती है सेक्टर से रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यू कैन कंसल्ट मी। आप मुझे कॉल भी करिए, ताकि मैं हर चीज़ की गाइडेंस आपको उसके अकॉर्डिंग दे सकूँ। तो बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर ये बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। कुछ अगर अपग्रेड करने वाले भी चीज़ें हो, ताकि वो भी आप मुझे सजेशन दे दीजिएगा, ताकि मैं उस चीज़ को अपग्रेड करके आपको अपने ब्लॉग्स के जरिए दिखा सकूँ। सो थैंक यू, टेक केयर।